आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यशस कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आ जाना बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान बुद्धिमान और जीनियस व्यक्ति जो बहुत दूर की सोचते थे, ये जहाँ जो बोलते थे दुनिया उनकी बात मानती थी। इंडिया में इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। अगर वे वास्तव में 1945 में जीवित होते ना तो सबसे ज्यादा चांसेस थे कि इनको ही राष्ट्रपति की उपाधि मिलती, पहले प्रधानमंत्री तो पक्का यही बनते। अगर ये रहते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान भारत में ही होता। एक बार जिन्ना ने बोला भी था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते तो वो उनके साथ रहने के लिए तैयार थे, उन्हें अलग पाकिस्तान की जरूरत नहीं होती। गांधी को एक अनडिवाइडेड नेशन चाहिए था, बट जिन्ना ऐसा नहीं होने देते और जिन्ना को सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकते थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के अलावा किसी की बात नहीं मानते थे, तो ऐसे अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो पाकिस्तान आज नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगा दी थी। इनके इंटेलिजेंस और इनकी लीडरशिप इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इनके चाहने वाले ना ही केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते थे।